ने काही अमिष भीती आणि अमिषाला बळी पडून जर आमदार काही पळाले असते, विशेषतः जे स्वतःला बछडे वाघ वगैरे समजून घ्यायचे, तर ते म्हणजे पक्ष नाही। आपण जो काल रस्त्यावर पाहिला तो पक्ष आहे, आणि हा पक्ष अद्याप मजबूत आहे, आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष मजबूत आहे। चार आमदार, अजून कोणी दोन खासदार, दोन नगरसेवक गेले म्हणजे पक्ष गेला असं नाही होत। आणि हे का गेले आहेत सोडून, याची कारणं लवकरच समोर येतील, तरीही त्या सगळ्यांशी चर्चा सुरू। अजूनही त्यातले काही लोक आमच्या संपर्कात येत आहेत, आम्हाला कसं जबरदस्तीनं नेलंय तिकडे। आता आज दोन आमदारांची आमच्या पत्रकार परिषद आहे, नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील, ते तुम्हाला सगळी कथा सांगतील। अशा प्रकारे किमान 17 ते 18 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाच्या कब्ज्यामध्ये। मी भारतीय जनता पक्ष हा शब्द वापरतो कारण त्यांच्या कारस्थानाशिवाय भाजपा शासित राज्यात अशा प्रकारे आमदारांना डांबून ठेवणं शक्य नाही। मुख्यमंत्री आज कोणती बैठक घेणार नाही, वर्षावर आमदार जातील, काही तांत्रिक गोष्टी पूर्ण करायच्या, त्यानंतर आमचे दोन आमदार जे आहेत कैलास पाटील आणि नितीन देशमुख हे पत्रकार परिषद घेतील, त्याच्याबरोबर आमचे इतर प्रमुख लोक असतील, त्यांचे एकदा तुम्ही किती वाजता एक साधारण 12 नंतर आहे वेळ आपल्याला कळवली जाईल, शिवालयात असेल किंवा वर्षावर। मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही आमदारांचं जाणं सुरू कोण म्हटलं आपल्याला? आज मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना आवाहन केलेलं नाहीये, या आमदारांनी परत निवडून येऊन दाखवा, एवढंच मी सांगू शकतो। संजय राजजी प्लीज हिंदी में बताइए कि अभी क्या स्थिति है, एकनाथ शिंदे का कैंप क्लेम कर रहा है कि उनके पास मुझे मालूम नहीं, मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर। सर आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ MLA हमसे छोड़कर हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसे नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करें, मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूं, साहब का बेईमानी। जिनको कहा है कि वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे ते करू देते। मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय, आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिले असते, वर्षावरून मातृसेवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावरती उतरली ती शिवसेना। बात करिए क्या उसके बाद खुद शिवसेना के MLA ने उनका संपर्क साधा है किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हम हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है, जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी, NCP के कुछ कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि NCP और कांग्रेस जो है वो शिवसेना, आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए, BJP के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि BJP की साथ छोड़ दीजिए तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। राव साहब, राव साहब।